चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग के बाद अगला चरण शुरू हो गया है। अगले चरण के तहत लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान बाहर आ चुका है। 14 दिनों तक काम करने वाला ये रोवर अब चांद की सतह पर घूम रहा है और इसने अपना काम शुरू कर दिया है। इस खबर की जानकारी खुद इसरो ने ट्वीट कर दी। इसरो ने लिखा कि CH-3 रोवर लैंडर से नीचे उतरा और भारत ने चंद्रमा पर सैर की। अधिक अपडेट्स जल्द ही। रोवर के पैरों में बने इम्प्रिंट्स की सहायता से भारत के प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ की तस्वीर चांद पर छिप रही है, जो कि सालों तक वैसी ही रहेगी। रोवर प्रज्ञान के साथ 2 और लैंडर विक्रम के साथ 4 पेलोड लगाए गए हैं। ये सभी खास अलग अलग कामों के लिए बनाए गए हैं और वे अपने काम पर लग गए हैं। ये रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर घूमेगा और अपने पेलोड्स की मदद से डाटा जुटाएगा। ऐसे में इसका लैंडर से बाहर निकलना काफी अहम था। ये भी सफलतापूर्वक हो चुका है। दरअसल लैंडर के उतरने की वजह से चांद पर धूल उड़ गई थी और गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होने की वजह से ये धूल शांत होने में काफी वक्त लगता है। अगर धूल के बीच रोवर को बाहर निकाला जाता तो इसमें खराबी आ सकती थी, इसलिए कुछ समय लेकर ये बाहर निकाला गया। लगभग 2.5 घंटे बाद निकले रोवर प्रज्ञान में 6 पहिए हैं। एक तरह का रोबोटिक व्हीकल प्रज्ञान अब अपने मिशन पर जुट गया है। आइए अब बात करते हैं कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का क्या काम होगा। बता दें कि इन दोनों में मिलकर कुल 6 पेलोड यानी उपकरण लगाए गए हैं। इनमें से 4 लैंडर विक्रम के साथ तो 2 रोवर प्रज्ञान के साथ जुड़े हैं। लैंडर के साथ लगा रंभा चांद पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के धन तत्व मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। चेस्टी नाम का पेलोड भी विक्रम पर ही है, जो चांद की सतह का तापमान मापेगा। इल्सा लैंडिंग साइट के आसपास भूकंप मापेगा और LRA नाम का पेलोड चांद के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेगा। वहीं चांद की सतह पर घूम रहे रोवर प्रज्ञान पर लगे पेलोड लिब्स का काम चांद पर मौजूद रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता को समझने के साथ साथ वहां मौजूद खनिजों का पता लगाना है। दूसरे पेलोड APXS का काम एलिमेंट कॉम्पोजिशन को समझना है। लैंडिंग साइट के पास सिलिकन, कैल्शियम, टिन और लोहे की मौजूदगी का पता यही लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन। जल्दी करना।